हैप्पी विमेन्स डे। हीरो, ये शब्द सुन के हमारे माइंड में कुछ इमेजेस बनती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की। यहाँ पे हीरो शब्द का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम इन एक्टर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसी नारी की, एक ऐसी महिला की जिसका पूरा जीवन संघर्षों के बीच बीता और जिसे आज सब माई कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि जब आप खुद बेसहारा हो तो सहारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ। ऐसी ही एक नारी है जो हर एक मुश्किल से निकलकर खड़ी हुई। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सिंधुताई सपकाल के बारे में, जो एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट थी, जिनके पास कभी ना घर था, ना पैसा, ना परिवार, लेकिन उनके पास एक जज्बा था जिसने उन्हें कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया। आजादी के ठीक 15 महीने बाद 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिपरी मेघे गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। इस बच्ची का नाम रखा गया चिंदी। इस बच्ची के जन्म से पूरा परिवार शोक में डूब गया। उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे था, जो कि एक चरवाहा थे। लैंगिक भेदभाव के चलते उनकी शिक्षा में बाधा आती रही। उनकी शिक्षा केवल चौथी क्लास तक ही हो पाई। वे आगे भी शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उनकी माताजी ऐसा नहीं चाहती थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह 30 वर्षीय श्रीहरि सपकाल के साथ कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक उनकी 3 संतानें हो चुकी थी। गांव की महिलाएं गोबर उठाने का काम किया करती थी, जिसकी मजदूरी उनको नहीं दी जाती थी। इसकी शिकायत उन्होंने मुखिया से की। अपने हक के लिए आवाज उठाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इसका खामियाजा ये हुआ कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। जब उन्हें घर से निकाला गया तब वे 9 महीने गर्भवती थी। उसी रात एक तबेले में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। जब वो अपनी माँ के घर आई तो उन्होंने भी उन्हें अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी और पेट भरने के लिए वो भीख मांगती और अपनी सुरक्षा के लिए वो शमशान घाट में रात में रहा करती थी। इसी संघर्ष में उनका जीवन बीतने लगा। उसी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते उन्होंने कई अनाथ बच्चों को देखा और उनकी हालत देखकर सिंधुताई ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने अनुभव किया कि देश में कितने ही अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की जरूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वो उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को एक ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। उन्होंने लगभग 1050 बच्चों को गोद लिया। जब सिंधुताई के पति 80 साल के हो गए तब वे उनके पास रहने के लिए आए तो सिंधुताई ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा कि अब वो सिर्फ एक माँ है। 4 जनवरी 2022 को सिंधुताई की मृत्यु हो गई। सिंधुताई अनाथ बच्चों के लिए काम करने वाली भारत की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपने जीवन में आई अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का काम किया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसी के साथ उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 273 पुरस्कार कुल मिल चुके हैं। वर्ष 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारित एक मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल बनाई गई थी। सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने के बाद भी उन्होंने समाज में मौजूद सामाजिक अत्याचारों का सामना किया। अपने स्वयं के जीवन से सबक लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा और आश्रय की व्यवस्था की। उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने बेघर महिलाओं की भी सहायता की। सिंधुताई बेशक नहीं रही, लेकिन सिंधु नदी की तरह उनकी ममता की धारा युगों युगों तक उनके संस्कारों में बहती रहेगी।